तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC ई वॉलेट को लेकर। कई बार क्या होता है, IRCTC ई वॉलेट से हम पेमेंट करते हैं, यानी कि तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं या फिर नॉर्मल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा पेमेंट जो है फेल हो जाता है और 3-4 दिन तक हम वेट कर लेते हैं, लेकिन हमारा पेमेंट जो है ई वॉलेट में रिफंड नहीं आता है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या फिर कई बार क्या होता है IRCTC ई वॉलेट में हम पेमेंट ऐड करते हैं तो हमारा पेमेंट जो है फेल्ड हो जाता है, यानी कि बैंक से पेमेंट तो हमारा कट जाता है लेकिन ई वॉलेट में पेमेंट हमारा ऐड नहीं होता है और ना ही हमारा बैंक अकाउंट में पेमेंट हमारा रिफंड आता है। इस स्थिति में हमें क्या करना है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोगों को ई वॉलेट से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम आता है तो आज के वीडियो में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो नंबर 1 बात करते हैं, जब हम IRCTC ई वॉलेट में पेमेंट ऐड करते हैं तो हमारा पेमेंट फेल्ड हो जाता है सर्वर के इशू की वजह से, या फिर IRCTC के सर्वर इशू हो या फिर बैंक के सर्वर की इशू हो, तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, पेमेंट जो होता है हमारा ऐड नहीं हो पाता है और हमारे बैंक से पेमेंट कट जाता है। IRCTC ई वॉलेट में पेमेंट ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग KYC करना होता है। तो KYC कैसे करता है, इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट ऐड करते हैं, पेमेंट आपका फेल्ड हो जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले 3 से 4 दिन तक वेट करना है। 99% केस में ऐसा होता है 3 से 4 दिन तक आप वेट करते हैं, आपका पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। यदि इन केस आपका पेमेंट रिफंड नहीं आता है तो आपको क्या करना है, 139 हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो जिस बैंक से आप ऐड किए होंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी होगा, डेट होगा, तो आपको बताना है। या फिर सेकेंड नंबर पे ये बता कर सकते हैं, आप IRCTC के ईमेल आईडी पे आप लोगों को मेल करना है। जैसे ही आप मेल करेंगे तो 24 से 48 घंटे में आपका पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको मेल कैसे करना है तो वीडियो को लास्ट में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं, हम तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल टिकट बुक करते हैं और हम पेमेंट जो हम IRCTC ई वॉलेट से करते हैं, यानी कि पेमेंट जो हमारा ऑलरेडी IRCTC ई वॉलेट में हमारा ऐड करके रखे होते हैं, लेकिन हम पेमेंट करते समय सर्वर की इशू हो या फिर बैंक सर्वर इशू हो या फिर IRCTC के सर्वर की इशू हो, तो हमारा पेमेंट जो है कट जाता है। या फिर इन केस जब हम टिकट बुक करते हैं तो बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउड करके बुक करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, सीट हमारा वेटिंग लिस्ट में आ गया होता है, तो इस स्थिति में हमारा टिकट बुक नहीं होता है लेकिन पेमेंट हमारा कट जाता है। 3 से 4 दिन हो जाता है लेकिन हमारा पेमेंट रिफंड नहीं आता है। 99% केस में मैंने देखा हूँ आपका पेमेंट 3 से 4 दिन के अंदर में पेमेंट आपका रिफंड आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है पेमेंट आप लोगों को रिफंड नहीं करता है, तो आप लोगों को सिंपल 139 पे हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है। कॉल करते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर में आपके IRCTC ई वॉलेट में पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है IRCTC के द्वारा। लेकिन आपका पेमेंट रिफंड नहीं किया जाता है तो आप लोग सिंपल IRCTC के ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। मेल कैसे करना है, जिस आप जो IRCTC आईडी से आपने टिकट बुक की है सिंपल, और जिस उस आईडी में जो ईमेल आईडी आपका रजिस्टर है उसी ईमेल आईडी से आप लोगों को मेल करना है। इस बात को ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कुछ लोग यहाँ पे IRCTC अकाउंट बना रहते हैं तो उस IRCTC अकाउंट में अदर ईमेल आईडी है और मेल किसी अदर ईमेल आईडी से कर देता है, ऐसे कंडीशन में आपको पेमेंट रिफंड आने में प्रॉब्लम आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना है, जो ईमेल आईडी आपने IRCTC के अकाउंट बनाते समय दिए होंगे उसी ईमेल आईडी से आपको IRCTC को मेल करना है। मेल करना कैसे है, सिंपल IRCTC ईमेल आईडी लेना है और जो आपका मेल आईडी है ओपन करना है और यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट में लिखना है रिफंड अमाउंट और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी देना है। और इसके बाद सब्जेक्ट में आप लोगों को यहाँ पे जिस डेट में आपको टिकट बुक कर रखे है ट्रांजेक्शन आईडी कितना अमाउंट था फुल टाइप करने के बाद आपको सेंड मेल पर क्लिक करना है। जैसे ही मेल पर क्लिक करते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर में आपके IRCTC ई वॉलेट में पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। यदि किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का।